टेक बिंदास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल कीजिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ये अभी का जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि टिकटॉक अच्छा है या यूट्यूब अच्छा, तो ये कैसे पता चले या फिर आपका अलग अलग ओपिनियन। सो इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐप ज़्यादा अच्छा है और जो फाइट्स चल रही हैं आजकल यूट्यूबर्स और टिकटॉक की, तो इसमें क्या हो सकता है। सो अभी हम लोग कंसिडर करते हैं पहले टिकटॉक में क्या होता है। टिकटॉक में आपको हम कुछ मूवीज़ के डायलॉग होंगे या फिर साउंड होगा, उसके ऊपर आप परफॉर्म करते हैं। और यूट्यूब, यूट्यूब में आपका जो कंटेंट होता है वो कम्प्लीटली आपका कंटेंट होता है, आपका वॉइस और वीडियो। सो ये दोनों काफ़ी अलग है। इसके अंदर आप कुछ पहले से कोई फेमस चीज़ है उसका इस्तेमाल करके आप फेमस हो रहे हैं, और इसके अंदर आप कम्प्लीटली खुद की अपना कंटेंट बना रहे हैं, खुद की इमेजिनेशन, खुद का वीडियो क्रिएटिविटी सब चीज़ कर रहे हैं। सो ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है और दोनों में मेहनत लगती है। बट हम कंपेयर करें कि अगर आप कोई फेमस सेलिब्रिटी हैं तो टिकटॉक में आपको पॉपुलर क्रिएटर वाला जो टिक मार्क है वो बहुत इजीली मिल जाता है। यूट्यूब में आपको सब्सक्राइबर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर हम देखें पब्लिक रीच से, तो आजकल दोनों एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दोनों की रीच बहुत ज़्यादा है, बट दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। आपको टिकटॉक में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा, छोटे छोटे क्लिप्स होंगे जिसके अंदर मजाक मस्ती या फिर कुछ एक्टिंग वाले स्टेप्स हैं, और यहाँ पर यूट्यूब में आपको एजुकेशन, मोटिवेशन, फिर आपको कुकिंग से लेके म्यूजिक से लेके हर चीज़ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो कंटेंट वाइज है यूट्यूब बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है और इसकी जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक। सो ये मेरा ओपिनियन। सो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी टेक्निकल और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आऊँगा। सो प्लीज़ कीप अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.